कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने के लिए प्रतिबद्ध बीजेपी। जम्मू कश्मीर में कठुआ की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा देश भर में बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी ज्यादा तेज लहर। यूपी के अलीगढ़ और मुरादाबाद में भी जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए महज 32 घंटे बाकी। अमित शाह आज गुजरात के गिर सोमनाथ और बनासकांठा में करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ और नगीना में राहुल प्रियंका की साझा रैलियां। मायावती आज अलीगढ़ में करेंगी जनसभा। नवीन पटनायक ओडिशा के बारगढ़ और बोलंगीर में करेंगे प्रचार। ५० फीसदी वोटों के वीवीपैट से मिलान को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे विपक्षी दल। बीजेपी ने कहा विपक्षी दलों ने हार की हताशा में अभी से ही ढूंढने शुरू कर दिए हैं बहाने। सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा के 5 बूथों पर ईवीएम वीवीपैट मिलान के दिए हैं निर्देश। जेट एयरवेज के पायलटों के संगठन ने टाली अपनी प्रस्तावित हड़ताल। संकटग्रस्त जेट एयरवेज के पायलट वेतन नहीं मिलने से है नाराज। मामले के समाधान और वित्तीय व्यवस्था को लेकर एयरलाइन प्रबंधन की कर्जदाताओं के साथ अहम बैठक आज। और क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। 30 मई को ओवल में मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच से होगा विश्व कप का आगाज। 5 जून को साउथहैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पहला मैच।